पिपराइज पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को तिनकोनिया नंबर 1 लाल बाजार के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान ओम प्रकाश उर्फ ओम पुत्र स्वर्गीय मेवालाल निवासी शिवपुर सहबाजगंज थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि पिपराइज के जंगल छत्रधारी टोला शाहपुर निवासी सिकंदर गुप्ता के पास सोमवार को रंगदारी से जुड़ी 3 कॉल आई थी। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को चंदन सिंह बताकर 10 लाख रुपए की मांग की और रुपए लेकर मंगलवार को सहजनवा में बुलाया था। सिकंदर गुप्ता ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद उन्हें एहतियातन सुरक्षा दी गई और मामले की जांच शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि संगम चौराहे पर छोटू सिंह, जिनका हत्या हो चुकी है, के साथ चंदन सिंह का उठना बैठना था। दोनों बदमाश थे। वादी को डरवाने के लिए मैंने रंगदारी चंदन सिंह के नाम से मांगा था। रंगदारी मांगने में जिस मोबाइल सेट का इस्तेमाल हुआ था, उसको करीब 7-8 महीना पहले अभियुक्त उपरोक्त ने अपने पड़ोसी से मांगा था तथा जिस सिम का इस्तेमाल किया था वह सिम दूसरे के नाम से है। अभियुक्त द्वारा दूसरे के मोबाइल सेट का तथा दूसरे के सिम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पिपराइज थाना प्रभारी मधु मिश्रा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह, रामचंद्र राय, नवीन कुमार, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय, कांस्टेबल अशोक चौधरी, अरुण राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, 302 में गया है, 302 में गया। किस थाने का था? शाहपुर का एक 302 का मामला है इसके ऊपर। शाहपुर हत्या है, शाहपुर पैतालीस तो बचपन से ही, मतलब शौकीन आदमी, शौकीन दिनांक 21 मार्च को वादी श्री सिकंदर के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया था कि 10 लाख रुपए रंगदारी के दे दो, नहीं तो जान से मार डालेंगे। उस पर थाना पिपराइच में अभियोग पंजीकृत हुआ और उसकी विवेचना प्रारंभ हुई। प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम के द्वारा इसका खुलासा किया गया, जिसमें उन्हीं के एक परिचित ओम प्रकाश द्वारा ये घटना करना स्वीकार किया गया। तो CDR से और बाकी एनालिसिस से इसकी पुष्टि हुई है, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये जमीन में कमीशन का काम करते हैं, जमीन बेचने में कमीशन एजेंट हैं। हाँ, इससे पूर्व एक विद्युत अधिनियम का मुकदमा है और इसके अतिरिक्त आपराधिक इतिहास की तलाश की जा रही है। मोबाइल वो नहीं मिल पाया है, मोबाइल वो एक नाले में इन्होंने फेंका है, जो जैसा इन्होंने बताया है, लेकिन CDR से इनका स्पष्ट है कि इन्होंने किया है, उनकी आवाज़ भी पहचानी गई।